चलिए एक और नेम से 22 के टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 24 है, जो कि उत्तराखंड से नीरज अधोरी धीरज कुमार। तो धीरज, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया 24 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको और आपकी फैमिली को। तो धीरज, क्योंकि देखिए आपने जैसे ड्रॉप लिया था और लास्ट ईयर भी नेम सेट दिया था, पर आपकी रैंक अच्छी नहीं थी, फिर आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया और फिर आपने साल ऑल इंडिया 24 रैंक अचीव की, जो कि वैल्यूबल बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस था, फिर इस साल आपने प्रिपरेशन कैसे की, और ड्रॉप लेने के बाद मन में कोई डर तो नहीं था, फैमिली सपोर्ट कैसा था, ये सारी चीजें, सारी सक्सेस स्टोरी में चाहूंगा कि आप बहुत डिटेल में बताएं। अरे पहले तो जब मैंने बीएससी शुरू किया था तो पहले 11th और 12th में फिजिक्स अच्छी लगती थी, तो पहले साल तो जेएम की तैयारी की थी सर, आईआईटी जेएम की। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन हो गया था तो फिर पूरी पढ़ाई छूट गई थी और फिजिक्स में फिर उतना मजा भी नहीं आ रहा था सर। तो फिर ऑनलाइन सर्च किया कि क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर पता चला एमसीए के बारे में। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो ऐसे ही निकल गया था, तो थर्ड ईयर के साथ पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई थी एग्जाम की, कोविड की वजह से लास्ट ईयर 2 महीने डिले हुआ था एग्जाम, तो वही 2 महीने पढ़ाई हो पाई थी जितनी हो पाई थी। आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स भी लिया था, उससे भी बहुत हेल्प हुई थी। तो लास्ट ईयर जब दिया तो रैंक अच्छी नहीं आई, 972 थी सर। ठीक है, फिर तो उसके बाद लगा कि सर एग्जाम देने के बाद कि अगली बार हो सकता है क्वालिफाई, तो ड्रॉप लेने का प्लान बनाया। और नवंबर में मेरा बीएससी पूरा हो चुका था अक्टूबर में सर, तो उसके बाद जैसे ही बीएससी कंप्लीट हुआ तो पढ़ाई शुरू कर दी थी, सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद आपकी सर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर रेगुलर टेस्ट दिए और आपकी डीपीटीज बनाई, आपके लेक्चर्स रेगुलर फॉलो किए सर, तो बस रिजल्ट आ गया। अच्छा ये बताओ, क्योंकि आपने टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे से दिए, उनके एनालिसिस किए, टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर के एनालिसिस और स्टडी मटेरियल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इंपिटस गुरुकुल में काफी बड़ा है, तो इसको लेके आपने, आपका क्या वो था? क्योंकि जैसे बच्चे अभी जिनके इंटरव्यू भी ले रहा हूं, कोई भी बहुत ही सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने, जिनको लगता है कि गाइड की जरूरत ही नहीं थी, और आपने भी कैसे अपनी पूरी स्टडी की और टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे किया, मैं चाहूंगा ये बहुत डिटेल में बताएं। सर गाइड तो मैंने एररलेस फॉलो की थी सर, एक ही बार की, क्योंकि जब आपका, आपको जब ज्वाइन कर लिया था तो स्टडी मटेरियल बहुत मिलता था सर, जरूरत किसी चीज की पड़ी नहीं। और सर आपके लेक्चर इतने बढ़िया थे कि कई जगह तो वो उनके पूरे कोर्स से भी बढ़िया थे, आपकी सिर्फ टेस्ट सीरीज में ही लेक्चर। और सर जो आप वो खुद पेपर अटेम्प्ट करके दिखाते थे वो सबसे बढ़िया था सर, उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। आप ऐसे बता दें जैसे अगर आप खुद होते तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करते सर, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। वेरी गुड। अच्छा जब आपने ड्रॉप लिया तो ड्रॉप लेते समय कोई मन में डर था या कोई कंफ्यूजन नहीं था, फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट तो पूरा था, और क्योंकि मैं एक बार अटेम्प्ट कर चुका था तो मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरह क्वालिफाई कर लूंगा, तो ऐसा ज्यादा डर तो कुछ था नहीं। चलो बहुत ही अच्छी बात है धीरज, अब आपके ऑल इंडिया 24 रैंक है, अब आप ऑब्वियसली एनआईटी त्रिची जाएंगे, और एनआईटी त्रिची में भी ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अच्छे से आपको वहां पर पॉइंटर मेंटेन करना है। तो वंस अगेन आपको कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।